वो आपकी शख्सियत ओवरऑल अब अगर सबका एक मकसद समझे तो आपने अपनी शख्सियत को निखारना है पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट तो सिंगल गोल समझे तो ये कि मैंने अपने आप को अच्छा इंसान बनाना है जो मुआशरे के किसी मसले को हल कर सके ये काम आ सके ठीक तो अगर आप उसको ब्रैकेटों में करें तो आप समझे कि आपकी शख्सियत का एक जिस्मानी पहलू कि मैं अपनी सेहत का ख्याल और एक हमारी शख्सियत का जहनी या इंटेलेक्चुअल पहलू है सोचे ठीक है मुझे जमा तफरीक आती हो मुझे काउंटिंग आती हो मैं ये सोच सकूं कि ये रास्ता इधर से इधर जाता है ये शुमार है ये जनूब है ये फोर्स है और एक तीसरी जो चीज है वो है रूहानी अंग्रेजी में इसको कहते हैं फिजिकल मैं फिजिकली अगर फिट नहीं हूं तो मैं इबादत भी नहीं कर सकता और मैं पैसा भी नहीं कमा सकता जहनी तौर पर मैं फिट नहीं हूं तो फिर तो मैं जानवरों के लिए ये फर्क था ये मेंटल इसको कहते हैं मेंटल या इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल या ये आपकी जो तालीम है जो साइंस और लैंग्वेज क्या है साइंस और लैंग्वेज बाकी जो सारी सोशल साइंसेज है ज्योग्राफी है हिस्ट्री है वो सारी लैंग्वेज के हिसाब से है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे ये चीजें जो है ये है नेचुरल साइंसेज राइट और दूसरी चीजें हैं सोशल साइंस सोसाइटीज कैसे बनती है इंसान कैसे बनते हैं मुआशरा कैसे बनता है मुआशरा तरक्की कैसे करता है दुनिया में कौमें कैसे करती है ये सोशल साइंस सोशल साइंसेज नेचुरल साइंसेज से ज्यादा अहम है समझ आ गई ये नहीं कि ये नहीं चाहिए ये भी चाहिए अच्छे डॉक्टर्स अच्छे इंजीनियर अच्छे लेकिन उससे ज्यादा अच्छे प्लानर अच्छे फिलोसफर अच्छे साइकोलॉजिस्ट और अच्छे प्लानर चाहिए लोग जिनको कौम की तारीख पता हो और वो कौम के लिए मुस्तकबिल का तयन कर सके प्लंबर को किधर इस्तेमाल करना है डॉक्टर और इंजीनियर्स को वो ये फैसला करेंगे ना अगर ये सोचने वाले दिमाग बिग थिंकर्स ठीक है उसके लिए उस टाइप से बात जाएगी ना इनमें सुधुन चाहिए और ओके फाइन तीसरी बात होती है रूहानी जो कि होता है स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल का मतलब है कि मेरा खुदा के साथ और मखलूक के साथ हर किस्म की मखलूक चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है उसके साथ मेरा रिलेशनशिप क्या है ठीक है मेरी जिंदगी का मकसद क्या है अगर इसको दरमियान में से निकाल दें तो फिर वो वेस्ट वाली सोसाइटी बन जाती है जहाँ पे 95% गंदा इस वक्त बास्टर्ड है और उसकी कोई फैमिली नहीं अकल के हिसाब से तो मैं फैसला नहीं कर सकता ना कि मैं उससे शादी क्यों करूँ उससे क्यों ना करूँ या 10 शादी क्यों करूँ क्यों ना करूँ ये फैसला अकल से नहीं कर सकता ये फैसला तो मुझे इससे हो सकता है मैं जाने वाले उस बुढ़े बंदे को सलाम क्यों करूं मैंने उससे मुझे क्या मिलना मुझे इसका कोई बेनिफिट है नो जाहिर कोई बेनिफिट है वैसे गुजर जाऊंगा तो ये टीम बिल्डिंग और एक दूसरे का ख्याल रखना और लिहाज रखना ये स्पिरिचुअल